अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझने की कोशिश करेंगे थ्री फेज टीपी और चेंज ओवर के बारे में। अच्छा, होता क्या है, यहाँ से जो गवर्नमेंट बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ होती हैं, गवर्नमेंट की जो हमें बिजली दे रही होती है, वहाँ से मीटर से तार निकल के इधर आ गए थ्री फेज की, 1 2 3। ठीक है, यहाँ से इसका आउटपुट हो गया, चेंज ओवर में चले गए। ठीक है, अच्छा होता क्या है, जब बिजली की अप डाउन होती है 100 एम्पेयर से ऊपर, अच्छा जो हमारे पर टीपी लगी है 100 एम्पेयर की है और ये 60 एम्पेयर की है। ठीक है, अच्छा यहाँ से तार निकल के सीधा हमारे चेंज ओवर की तरफ चली गई, सही है, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है जो डायरेक्ट चला गया। ठीक है, इसी तरीके से कि जो जनरेटर की सप्लाई है थ्री फेज की, वो यहाँ आ गई, यहाँ से आउटपुट करके सीधा चेंज ओवर की तरफ चली गई। ठीक है, अब चार तारें हमारी जनरेटर की हो गई, सॉरी के एसी की, और चार तारें हमारी के एसी उसकी जनरेटर की हो गई, और चार तारें जो गवर्नमेंट हमें बिजली दे रही है उसकी हो गई। ठीक है, अच्छा एक चलेंगे कैसे देखते हैं, ये एक है, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, ये सॉरी लाइन वन, ये लाइन टू, ये लाइन थ्री। ठीक है, और ये न्यूट्रल हो गया, ये बिलफर्ज के, ये जो गवर्नमेंट हमें बिजली दे रही है, जो जिससे हम लोग मिसाल के तौर पर के इलेक्ट्रिक कर देते हैं, के इलेक्ट्रिक हो गया। ठीक, अच्छा ये जो हो गया कैसे हम लोगों ने इसको मतलब सप्लाई से कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से जो जनरेटर होता है, एक फेज, दो फेज, तीन फेज, L1 L2 L3। ये चार टोटल 8 तारें हो गई, 4 इधर के 4 इधर के। अच्छा ये जो चेंज ओवर होता है इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, इसी तरीके से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा इंटरनली इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, आप जब खोल के देखेंगे चेंज ओवर को, ऐसे कनेक्ट होता है। अच्छा जब हम इसको वन पे करते हैं चेंज ओवर को, ये वन, अभी टू पे है, जब हम इसको वन पे करते हैं तो इसके सारे पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और जब जीरो पे करते हैं तो कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब चार, जब एक पे करेंगे तो सारे पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से जब जीरो पे करेंगे तो यहाँ से पट्टियाँ हट जाएंगी, फिर दूसरी तरफ जाके लग जाएंगी इस पर जनरेटर पर, सही है, जनरेटर के पॉइंट पर लग गई, तो इसमें शॉर्ट सर्किट का डर कम होता है। ठीक है, लेकिन आप कनेक्शन करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बेहतरीन और मजबूत तरीके से कीजिएगा। ठीक है, ये ना, सही है। अच्छा उसके बाद यहीं से चार तारें निकली होती हैं, 1 2 3 4, ये चार तारें निकल के सीधा, जैसे यहाँ से चार तारें निकली, ये देख रहे हैं, ये चार तारें निकली, न्यूट्रल की तार जो होती है वो डायरेक्टली लग जाती है अंदर की तरफ, यहाँ से नज़र आ रहा होगा न्यूट्रल की पट्टी, ये रही, ये रही, ठीक है, सामने दिख रही होगी, ये रहा, ये न्यूट्रल का कनेक्शन है। ठीक है, ये आ गए, फिर यहाँ से न्यूट्रल को कर देना। अच्छा फेज, एक फेज इधर आ गया, एक फेज इधर आ गया, दूसरा फेज, तीसरा फेज इधर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना टाइम रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।